हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ कुछ संस को देखते हैं और इस कुछ संस से हम कुछ सीखेंगे, ठीक है, और जानेंगे किस बीमारी से क्या क्या होते हैं और किस नाम से वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग में लिए हैं वायरस जनित रोग। कहने का मतलब हुआ वायरस से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या डेवलप होते हैं उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं, इधर जो है इधर हमने वायरस को लिया है और इधर रोग को लिया है, मतलब किस वायरस से कौन सा रोग होगा उसे लिए हैं। तो कहता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये वायरस का नाम है। किसका नाम है? वायरस का नाम है, क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से क्या होता है? तो चिकन पॉक्स होता है, जो आप देखते होंगे लाल लाल फोड़ा जैसे जो बड़ा बड़ा दाना निकलता है वही आपका चिकन पॉक्स होता है। क्या होता है वो? चिकन पॉक्स होता है। अब जानते हैं लिसा वायरस, लिसा वायरस का नाम है, इससे क्या होता है? रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज, जैसे जो पागल कुत्ता वगैरह जो काटता है ना, तो उस कुत्ते को काटने से रेबीज नामक क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। तो उसमें कौन सा वायरस होता है? तो उसमें लिसा वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? लिसा वायरस। अब जानते हैं पोलियो वायरस, पोलियो क्या है? पोलियो एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, उससे कौन सा रोग होता है? तो पोलियो माइलिटिस होता है। क्या होता है? पोलियो माइलिटिस होता है। क्या होता है? पोलियो माइलिटिस। तो ये हमने तीन रोग को देखा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ, पोलियो वायरस से कौन सा? तो पोलियो माइलिटिस नामक रोग होता है। लिसा वायरस से रेबीज नामक रोग होगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स होता है। अब जानते हैं मानव रोग के बारे में, किसके बारे में जानना है? मानव रोग के बारे में। तो आइए समझते हैं, कहता है मानव रोग क्या है? तो हम बोलेंगे हमारे शरीर में किसी तरह का रुकावट उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अब जो है रोगों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है उपार्जित रोग। एक कौन सा होता है? जन्मजात, और एक होता है उपार्जित रोग होता है। तो देखिए रोग, मानव रोग यानी कि मानव के अंदर, मानव शरीर के अंदर किसी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न होना, रुकावट होना, ठीक है, किसी भी तरह का क्या, जैसे अपने जो बॉडी होता है उसका प्रॉपर मेंटेन नहीं रखना या प्रॉपर मेंटेन में रुकावट उत्पन्न होना, ठीक है, क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। या शरीर को प्रॉपर वर्क से काम न कर पाना, ठीक है, क्या कहलाता है? रोग उत्पन्न होना कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मानव रोग कहते हैं। अब मानव रोग को दो भाग में बांटा गया है, एक आता है जन्मजात रोग, एक होता है उपार्जित रोग। अब जानते हैं जन्मजात रोग क्या होता है? तो हम बोलेंगे वह रोग जो जन्म के समय ही शरीर में रहता है। अब कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है और जन्म के समय से ही उसमें कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। अब जानते हैं उपार्जित रोग, तो वह रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे देखिए जन्म के समय होने वाले रोग को क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। और जन्म के पश्चात किसी विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित रोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। चलिए, थैंक यू।